यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती हर वास्ते कार्यक्रम में तरक्की पसंद काश्तकार भाइयों के लिए आज उपयोगी जानकारी का विषय है पशुओं के लिए अजोला आहार। लेकिन पहले ये संदेश। किसान भाइयों और बहनों, सुनिए शाम 7:30 बजे खेतीरी बातें कार्यक्रम, प्रायोजक कृषि विभाग राजस्थान सरकार। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों खेती बाड़ी गए सागे सागे किसान भाई जगह खेती शू जुड़ेड़ा और भी काम धंधा जगह करे जगह शू के एक तो आपने खेती शू जुड़ेड़ा हुआ और दूसरा के आपने किसाना की अर्थव्यवस्था जकी थोड़ी सुदृढ़ हो जाए खातर जुड़ेड़ा काम धाम भाई लोग जगह करता रहे। पर बामे जी आप वैज्ञानिक ढंग अपनावा या नया तौर तरीका अपनावा तो भी व्यवसाय में भी आप अच्छा लाभ है जो ले सका। अब आप व्यवसाय की बात करा तो किसान भाई जगह खेती पाती से जुड़ो पशु पालन को काम धाम है जो करे और पशु पालन को काम धाम इश्यू है कि जो हर परिवार है जो थोड़े या बड़े पैमाने पर करे। पर इमें विशेष तौर कई भाई लोग तो इसे जगह पशु पालन वो व्यवसाय है जो भी रोजगार है भांगे पर इमें व्यापार सुनियोजित ढंग से या पशु पालन को काम धाम है जो अच्छी तौर तरीके से करा तो वो भी अपने कैसे किसान की अर्थव्यवस्था में बड़ो ठोस आधार है जो प्रदान करे। ये पशुओं ने आपा रखा तो मैंने वर्ष भर ती फसल का अवशेष है तूड़ी है नीरो है इन पर आपने पालना पड़े पर इंगे सागे सागे हरियो चारो भी आप टेम सर दे छठ 12 महीना हरियो चारो लगातार मिले कोनी जैसे शू पशुओं में बढ़ोतरी जकी कम हो जाए दूध उत्पादन में कमी आ जाए और इंगे सागे सागे प्रजनन क्षमता पर भी इंगो विपरीत प्रभाव पड़े। इन समस्या से निजात पाने खातर अपने वैज्ञानिक पशुओं खातर अजोला पशु आहार है जो विकसित करो है तो वो आहार के तरीके से आप इन्हें उत्पादन कर सका और क्या पशुओं ने खिलाया जाए। अजोला दुधारू पशुओं खातर उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक आहार है। अजोला जल स्तर पर मुक्त रूप से तैरने वाली तेजी से बढ़ने वाली जलीय फर्न है। अजोला छोटे छोटे समूह में सघन हरित गुच्छे की तरह तैरती रहे वो उत्तम गुणवत्ता युक्त वाला प्रोटीन को अच्छा स्रोत है। पशुओं खातर प्रोटीन को मुख्य स्रोत है। अजोला की पिनाटा जाती है जिकी पाई जाए। अजोला सामान्य अवस्था में ओफर 3 दिन में दुगुनी हो जाए। पशुओं का तर आदर्श आहार है। किसान भाइयों अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में बातचीत करा। छायादार जिग्या पर अपने 20x3x1 फुट यानी के 20 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी और 1 फुट गहरी आकार की अपने क्यारी जिकी बना लेनी चाहिए। इन क्यारी में प्लास्टिक सीट अच्छी तरह बिछा गए और ऊपर के किनारा पर मिट्टी शुमिने दबा गए और मजबूत कर देनी चाहिए। इन क्यारी में 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत देखी भी अपने बिछा देनी चाहिए। 5-7 किलोग्राम गोबर जो को 2-3 दिन पुराना होना चाहिए 10-15 लीटर पानी में घोल बना के मिट्टी में अपने फैला देना चाहिए। क्यारी में 7-8 इंच तक पानी भरना चाहिए जैके शू क्यारी में पानी की गहराई है जैकि लगभग 1/2 फुट तक हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी और गोबर की खाद ने जल में अच्छी तरह घोल बना के क्यारी में अपने घाल देना चाहिए। इन घोल में 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने फैला देनी चाहिए। इनके बाद में 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़काव कर देना चाहिए जैसे से अजोला आपकी सही स्थिति में आ जाए। अब क्यारी ने नायलोन जाली से ढक देनी चाहिए क्योंकि मैं कीड़ा है कागला है या चिड़िया जगह खावे ने तो इन्हें नायलोन की जाली से अपन ढक देना चाहिए। 15-20 दिन में अजोला की बढ़वार जकी हो जाएगी और 21वें दिन अपन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त होने लग जाएगा। अभी अजोला ने अच्छी तरह अपन निकाल गए साफ पानी से धो गए और दुधारी पशुओं ने देना चाहिए। 1.5 से 2 किलोग्राम ताजा अजोला ने बांटे के माँ खिलाना चाहिए और दुधारू पशुओं ने देना चाहिए जैसे शू 15% तय दूध उत्पादन में जैकी बढ़ोतरी हो जाए। किसान भाइयों पशुओं की शारीरिक वृद्धि में और दूध उत्पादन में वो उत्तम लाभ देवे। शुरू की अवस्था में अजोला की मात्रा प्रति पशु कम देनी चाहिए धीरे धीरे इन्हें बढ़ानी चाहिए। अजोला में प्रोटीन रेशा इथर सत कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम ए तो वही है। इंगे सागे सागे अति सूक्ष्म तत्वों की बात करा या मैग्नीज है जिंक है तांबू लोहा सोडियम अंग भी पूर्ति हो करे। अब अजोला जो आप क्यारी में गाले पिंगा रख रखाव का भी अपना तौर तरीका ध्यान में रखना चाहिए। क्यारी में जल स्तर लगभग 1/2 फुट तक होना चाहिए
तीन महीना में एकड़ पानी और मिट्टी ने बदल तोरण चाहिए जगह शू नई क्यारी के रूप में दोबारा संवर्धन हो जाए और जो लगी अच्छी बढ़वार खातर तापमान 20-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सर्दी की ऋतु में तापमान कम हो जाए तो क्यारी ने पुरानी बोरी या टाट या चादर शू ढक के रखनी चाहिए। 1.5-2 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने खातर अपने 20 ग्राम सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम गोबर को घोल बना के हर महीने क्यारी में अपने मिला देना चाहिए। इसमें अपने हर रोज 1.5-2 किलोग्राम अजोला जी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से अजोला आहार देके पशुपालन भाई लोग लाभ है जो को उठा सके। पर अब हूँ चालू राम राम सा राम राम। श्रोताओं, खेती वास्ते कार्यक्रम में अभी प्रगतिशील किसान भाई उपयोगी जानकारी सुन रहे थे पशुओं के लिए अजोला आहार विषय पर। यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए दलीप जोड़ा के स्वर में एक लोक भजन। अभी आप दलीप जोड़ा से राजस्थानी लोक भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कोटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।